स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले इसका अर्थ करूंगा, स्ट्रीम का अर्थ होता है प्रवाह, जो नेचुरल स्पीड होती है, प्राकृतिक गति। कॉन्शियसनेस चेतना, तो ये जो टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सबसे पहले ये प्रयोग की गई है विलियम जेम्स के द्वारा। क्या नाम है? विलियम जेम्स के द्वारा, 1890 में। अब विलियम जेम्स कौन थे? फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट। तो पहली बात ये बनती है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस लिटरेरी टर्म का प्रयोग सबसे पहले विलियम जेम्स ने 1890 में किया था। विलियम जेम्स एक माने हुए फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट, यानी कि दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत। इसका हम हिंदी में अनुवाद करें तो क्या होगा? मनोविज्ञान के सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो उन्होंने ये जो पुस्तक लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इस पुस्तक में पहली बार 1890 में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म का इन्होंने प्रयोग किया था। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन्होंने किस संदर्भ में किया था? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इन्होंने लिटरेचर में प्रयोग नहीं किया, कहीं आप लोग ये समझो कि लिटरेचर में, इन्होंने तो अपनी पुस्तक में कुछ मनोविज्ञान से संबंधित बातें बताई, तो उसके बारे में इन्होंने व्यक्ति का अध्ययन किया और तब इन्होंने ये कहा था कि किसी भी व्यक्ति के अंदर विचारों का एक स्वतंत्र प्रभाव होता है, चाहे भले ही ये विचार एक दूसरे में आपस में कनेक्टेड नहीं है। नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट्स, विचारों का स्वतंत्र प्रभाव, चाहे भले ही उसके जो विचार हैं या समग्र रूप से उसके विचारों को हम देखें तो उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, चाहे भले वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी जो विचारों की जो उत्पत्ति होती है वो एक नेचुरल वे में होती है, स्वाभाविक तरीके से होती है, और स्वाभाविक तरीके से जो विचार है वो आगे बढ़ते हैं और वो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं जिस क्रम में उनकी उत्पत्ति होती है। ये कहना चाह रहे थे कौन? विलियम जेम्स। तो पहली बात आप क्या समझिए कि विलियम जेम्स ने 1890 में सबसे पहले अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग मनुष्य के अंदर उठने वाले स्वतंत्र विचारों के लिए किया था, या विचारों का जो स्वतंत्र प्रवाह पैदा होता है मन मस्तिष्क में, उसके लिए उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शब्द का प्रयोग किया। अब हम बात करें लिटरेचर की, तो लिटरेचर में इसका प्रयोग, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शब्द का प्रयोग या इस टर्म का प्रयोग लिटरेचर में इसको लेकर गए थे मे सिंक्लेयर। कौन लेकर के आए थे? मे सिंक्लेयर। मे सिंक्लेयर ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शब्द का प्रयोग किया था 1918 में, और 1918 में इन्होंने इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का प्रवेश लिटरेचर में करा दिया। एक साइकोलॉजी की टर्म थी, एक मनोविज्ञान की टर्म थी, और मनोविज्ञान से उठकर के कहां पर आ गई? लिटरेचर के अंदर आ गई। कहां पर आ गई? लिटरेचर के अंदर आ गई। अब लिटरेचर के अंदर आकर के यह एक टेक्निक बन गई थी, तकनीक, जिसको हम कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ लिटरेरी टेक्निक। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक साहित्यिक तकनीक होती है, साहित्यिक तकनीक होती है। इसके माध्यम से किसी कोई भी जो पात्र है, कैरेक्टर है, उसके अंदर जो थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं, उसके जो विचार हैं, उसके अंदर जो भावनाएं हैं, उनको व्यक्त किया जाता है। तो एक राइटर के लिए ये आसान हो जाता है कि किसी कैरेक्टर के विचारों को और भावनाओं को व्यक्त कर दे, ताकि उसके जो रीडर्स हैं, पाठक हैं, वो उस कैरेक्टर के बारे में अच्छी समझ बना सके या उसके विचारों को अच्छी तरह समझ सके। और ये जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं, ये उसी क्रम में चलते हैं एज दे अकर, जिस क्रम में ये पैदा होते हैं, जिस क्रम में इनकी उत्पत्ति होती है। और कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटीरियर मोनोलॉग दोनों को एक ही ले लिया जाता है। इंटीरियर मोनोलॉग में क्या होता है? पात्र के विचारों का प्रस्तुतिकरण होता है। कोई भी कैरेक्टर है, उसके अंदर क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, उनका प्रकटीकरण इंटीरियर मोनोलॉग में होता है। इंटीरियर मोनोलॉग को हम कहते हैं आंतरिक इकाला, मोनो का मतलब होता है एक। तो इंटीरियर मोनोलॉग और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस
ये जो तकनीकें हैं लगभग एक जैसी हैं। तो वापस से देखिए आप, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का प्रभाव, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का प्रयोग सबसे पहले विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में 1890 में किया था। विलियम जेम्स ने बताया था कि व्यक्ति के अंदर नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट्स होता है, चाहे भले ही ये आपस में कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन इनकी जो इनका जो क्रम है वो व्यक्ति की मनोदशा के अनुसार होता है। और इसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में, हमारे लिटरेचर में मे सिंक्लेयर एक व्यक्ति हुए थे, इन्होंने लिटरेचर में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म का प्रयोग किया था। और वही बात इन्होंने बताई थी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थॉट्स एंड फीलिंग्स जो उत्पन्न हो रही है पात्र के अंदर उनको व्यक्त करने की ये क्या है, लिटररी टेक्निक है, एक साहित्यिक तकनीक है। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को हम इंटीरियर मोनोलॉग के साथ भी लेकर के चलते हैं। ये आपका क्या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, भूल जाओगे याद रहेगा।